तो भाई ये गांव धनौदा की जो तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है 9 महीने की जो गुड़िया है उसको यहाँ पे जो है दफनाया गया था। अभी फिलहाल की घटना है, जो भाई बताया गया है कि जो मतलब 9 महीने की दो गुड़िया थी और उनको भाई यहाँ पे दफना दिया गया। और यहाँ पर अभी भाई पूरा प्रशासन जो है पहुँचा था, और अभी जो उनके पार्टिकल्स बचे हुए थे 10 से 12 दिन के, वो यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। और यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग रही है भाई। यहाँ पर ये शमशान घाट गांव धनौदा की समय तस्वीरें देख रहे हैं, और तमाम मीडियाकर्मी भी यहाँ पे आए हैं। अभी सभी जो है पूरी घटना देख रहे हैं। ये जो टेंट यहाँ पर लगा रखा है भाई, यहाँ पर जो है उनके जो पार्टिकल्स थे वो निकाल के लेके गए हैं यहाँ से। पूरा ही शर्मसार कर देने वाला मामला भाई ये निकल के सामने आया है। यहाँ पर भाई स्मेलिंग देख सकते हैं आप, तो भी देखते रहिए। ये भाई पूरी घटना जो है गांव धनौदा में आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है उनको 10 से 12 दिन पहले दफनाया गया था। अभी जो FSL की टीम आई है यहाँ से उनको निकाल करके ले गई है। ये उनके कपड़े हैं भाई, जो गुड़िया थी, और ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे शमशान घाट है गांव धनौदा का, इस समय की तस्वीरें जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस वीडियो को जितना उसके शेयर ज़रूर कर दियो भाई। गांव धनौदा में 9 महीने की दो गुड़िया को यहां पर दफना करके भाई मार दिया गया था 10 से 12 दिन पहले, लेकिन जैसे तैसे पता चला तो गाँव वालों ने यहाँ पर फिर छानबीन शुरू की। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन पहुँचा, और प्रशासन ने यहाँ पर भाई पहुँच के अपनी पूरी जो है छानबीन शुरू कर दी है। आगे क्या कुछ होगा वही बताएँगे आपको। निकाल के लेके गए हैं, और यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग रही है भाई। यहाँ पर ये शमशान घाट गांव धनौदा की समय तस्वीरें देख रहे हैं, और तमाम मीडियाकर्मी भी यहाँ पे आए हैं। अभी सभी जो है पूरी घटना देख रहे हैं। ये जो टेंट यहाँ पर लगा रखा है भाई, यहाँ पर जो है उनके जो पार्टिकल्स थे वो निकाल के लेके गए हैं यहाँ से। पूरा ही शर्मसार कर देने वाला मामला भाई ये निकल के सामने आया है। यहाँ पर भाई स्मेलिंग देख सकते हैं आप, क्या कुछ आगे की अपडेट रहेगी, जो उनके परिवार है उनसे भी बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी बात उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ आगे की अपडेट रहेगी। पढ़े रहिए, पढ़ने के साथ जय हिंद जय हिंद।